तो आप सभी ने देखा होगा तनजुम जुम मनजुम जुम तनजुम जुम गाए खुदा और मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है और हमारे चैनल का तो ये मेन टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम बात करने वाले खुदा और मोहब्बत इज बैक विथ सीज़न 4 रिलीज डेट इन 2022। तो इसी के बारे में बात करने वाले, देखते रहे वीडियो को पूरा एंड तक। 200 हर बार की तरह एक पैसा लाइक ना वीडियो पे कर दीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल जाती है। और जो ये जो क्रेजी फॉर न्यूज़ चैनल है, ये बनाया गया था आप सभी फैंस के लिए ताकि इससे तक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाए। वैसे तो बड़ा चैनल है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, लेकिन मैं चाहता हूँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो क्योंकि आने वाले वक्त में मेन मेन अपडेट आप सभी को मिलने वाली है। तो खुदा और मोहब्बत इज़ बैक विद सीज़न 4 रिलीजेड इन 2022। तो खबरें यहाँ पे निकल के आ रही है कि खुदा और मोहब्बत जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो था, जहाँ पे हमें जो नज़र आती थी इकरा अज़ीज़ और फिरोज़ ख़ान, इकरा अज़ीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया माही के रोल में और फिरोज़ ख़ान को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया फरहाद के रोल में। ये दोनों की केमिस्ट्री और लव इतनी प्यारी बताई गई थी, स्टोरी इतनी प्यारी बताई गई थी कि लोगों के दिल में ये बस चुका था। लेकिन लोगों ने एक्सपेक्टेड ये नहीं किया था कि आखिरी में इन दोनों को मार दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों को मार दिया गया, या फिर हम ये कहें कि बेहोश हो गए, कुछ हमें पता नहीं है, वहाँ का था पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे फैंस का यह कहना था कि ये चीज़ जो की गई, ये गलत की गई, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था मेकर्स ने। और यहाँ पे फैंस बहुत ज़्यादा परेशान और नाराज़ भी हो चुके थे और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया था कि खुदा और मोहब्बत अब जब सीज़न 4 आएगा तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता चल, जैसे खुदा और मोहब्बत का ट्रेलर लॉन्च होगा ना, वैसे ये देखने भागेंगे वहाँ पर, क्योंकि खुदा और मोहब्बत की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और इसे हर कोई देखना चाहता है। हाँ, ये बात अलग है कि माही और फराज से बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुका है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ गेन करने वाला ये एक शो बन चुका था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक शो था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री ही इतनी ज़्यादा कमाल की थी। जो मेन जो रोल था ना यहाँ पे माही और फराज का, और जो मेन चीज़ थी जो माही से शादी करता है, वो भी बंदा बहुत कमाल का लगता था मुझे। बाकी जितने भी कैरेक्टर थे बहुत ज़्यादा कमाल के थे वहाँ पे और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत ही ज़्यादा कमाल का शो बन गया। इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आप सभी ने कुछ दिनों पहले वीडियो भी देखा होगा कि एक लड़का मज़ार पे जाके बैठा हुआ है फराद बन के, फराद का लुक ले लिया है क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आए, तो ऐसा मत किया करें, ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बस डायरेक्ट निकाह होता है, शादी होती है, फिर सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने ये जो ड्रामे है ना, इसे दिल पे मत लिया करो और इसे अपने लाइफ में मत अपनाया करो। अपनी लाइफ अलग है और ये ड्रामे अलग है, ये बस ऐसे मैसेज के लिए बनाते हैं जो भी बनाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ लगती है। ऐसे शो, ऐसे सीरियल आना चाहिए जहाँ पे एक मैसेज हो, समाज में एक मैसेज जाए। तो यहाँ पे इनका काम ये रहता है कि एक मैसेज पहुँच जाए समाज में और वही ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है कि माही और फराद मर जाते हैं, जो कि एक हैप्पी एंडिंग अच्छी नहीं लगी। बाकी जितने भी एपिसोड थे वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे और लास्ट एपिसोड को बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया गया था, एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया गया था। तो फैंस की जो इंतज़ार था बेताबी थी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जो लास्ट में किया गया वो ठीक नहीं किया गया, यहाँ पे हर किसी का यही कहना था। तो अब जो सीज़न 4 आने वाला है, बताया जा रहा है कि सीज़न 4 की शुरुआत होने वाली है, यहाँ पे वापस लाने वाले हैं वो भी मेकर्स, सीज़न 4 को एक नई शुरुआत करने वाले हैं। खबरें यहाँ पे निकल के आ रही है कि 2022 में ही यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 को। बात यहाँ पे यह आती है कि कब तक ये शुरू होता है, कब तक ये लॉन्च होता है, क्योंकि बेताबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे फैंस की। फैंस से आते हैं इसे फिर से देखना, फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद ही है शो। तो यहाँ पे क्या फैंस की डिमांड मानी जाती है, क्या माही और फराद, इकरा अज़ीज़ और फिरोज़ ख़ान को एक और बार फिर से हमें दिखाई देंगे ये दोनों, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं, डिमांड मानी जा सकती है।
अब यहाँ पे मेरा जहाँ तक मानना है कि नई कास्ट ही ली जाएगी खुदा और मोहब्बत में। इसकी जो अपडेट निकल के आ रही वो ये है कि 2022 में शुरू होने वाला है और जल्दी आप सभी को नज़र आ सकता है। तो ज़्यादा इंतज़ार आप सभी को मेकर्स नहीं करवाने वाले, क्योंकि मेकर्स को ये पता है कि फैंस बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 चलिए शुरू हो सकता है। कुछ ही समय बाद मैं कुछ अपडेट और आप सभी को देने वाला हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना। तो उससे पहले एक लाइक वीडियो पे ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करके रखना। दोस्तों मैं तंजीर खान, मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।